हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा सफ़र ओमान से अफ्रीका का। अफ्रीका में हम लोग जा रहे हैं लुआंडा, जो कि अंगोला स्टेट का एक कैपिटल है। हमारे साथ हमारी नन भी जा रही हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न थी, पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो फिलहाल सिर्फ ओमान से अफ्रीका की जर्नी इंजॉय करते हैं। डन मामा। सुबह 4 बजे 4 AM पे दुबई की फ़्लाइट थी हमारी। 1 बजे तक हम लोग मस्कत एयरपोर्ट पहुंच गए थे। कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, दुबई में कुछ टाइम का स्टे था, उसके बाद हम लोगों ने लुआंडा के लिए निकलना था। यहाँ पे हम लोगों ने चेक इन वगैरह करवाया और यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी लंबी लाइन थी। सो इस टाइम पे इलियाना ने हमें इतना तंग किया, इसको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होता, ये चुप करके निकल जाती है, देखती नहीं है कि पीछे हम लोग आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और मस्कत से लेके जो लुआंडा का पूरा सफ़र था, इसने इतना हमें टफ़ टाइम दिया है। बच्चों के साथ ना सफ़र बहुत मुश्किल काम है। दिन में मैंने इसको अच्छा खासा लंबा नैप दिलवाया था, सो इसलिए ये अभी तक इतनी फ्रेश है। रात के 1-2 बज रहे हैं अभी और ज़ीनिया दिन में भी नहीं सोई, क्योंकि वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसको पता था कि हम अफ्रीका जा रहे हैं और अफ्रीका के बारे में इसने बुक्स में, अपने कार्टून्स में हर जगह देखा हुआ था। सो ये बहुत एक्साइटेड थी। चेक इन वगैरह करवाने के बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर वेटिंग एरिया की साइड पे, और यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री में जो मेकअप का सेक्शन था, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स में स्पेशली लिपस्टिक्स में फ्लैट 50% ऑफ था। और जब मैं फ्लैट 50% ऑफ देखती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ लेना ही होता है मुझे लाजमी। मेरे पास जो लिपस्टिक्स थी वो बहुत डार्क कलर्स की थी, सो मैंने सोचा कि कुछ लाइट कलर्स की लिपस्टिक्स लेती हूँ। सो मैंने लैनकॉम की लिपस्टिक्स वगैरह ली यहाँ से कुछ। मैंने लॉरियल, मैबलिन, काफ़ी ब्रांड्स की लिपस्टिक वगैरह ट्राई की हैं, लेकिन जो लैनकॉम की लिपस्टिक्स हैं इनके शेड्स बहुत ही अच्छे हैं, उसके अलावा हैं भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग। सो यहाँ से मैंने कुछ लिपस्टिक्स ली अपने लिए। अफ्रीका जाने का जो हमारा प्लान बना था वो 4-5 दिन पहले ही कंफर्म हुआ था कि हम लोग जा रहे हैं, और बहुत से हमें काम थे। एक तो शॉपिंग करनी थी क्योंकि वहाँ पे वेदर काफ़ी ठंडा था, बच्चों के कपड़े लेने थे, अपने कपड़े लेने थे, उसके अलावा पाकिस्तान से हमने कुछ चीज़ें मंगवानी थी। और घर से जब हम निकलते हो तो घर को भी सही तरह सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके निकलना होता है, तो सुबह से मैं लगी हुई थी। उसके अलावा 4-5 दिन बहुत हैक्टिक गुजरे थे मेरे। सो इस टाइम भी मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, बहुत नींद आ रही थी। कॉफ़ी शॉफी मैंने पी ताकि मैं फ्रेश रहूँ। मस्कत का जो एयरपोर्ट है वो मेरा फेवरेट एयरपोर्ट है। लाइक मैंने बहुत से एयरपोर्ट्स देखे हैं, लेकिन ये जो बना हुआ है बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। और इसके अलावा जब आप किसी दूसरी कंट्री से आते हो और यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है, लाइक एक तो रशी भी नहीं है बहुत ज़्यादा, उसके अलावा शायद यहाँ पर हमारा घर है तो इस वजह से एक अजीब किस्म की अटैचमेंट है मस्कत से। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वेटिंग एरिया में और वेट करें जाने का। बच्चे जो हैं हमेशा की तरह प्लेन्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, सो ये दोनों भी बहुत खुश थी। और यहाँ पे काफ़ी ठंड थी, सो इनको मैं कुछ गर्म कपड़े पहना रही हूँ। ये जो आप लगेज देख रहे हो, इसमें बच्चों के सिर्फ कपड़े थे, एक्स्ट्रा कपड़े, खाने पीने की कुछ चीज़ें, कुछ टॉयज़, कलर्स और पता नहीं क्या कुछ मैं लेके आई हुई थी इनके लिए, ताकि ये ज़्यादा तंग ना करें हमें। तो फिलहाल हम लोग बैठ गए हैं प्लेन में और अब यहाँ से निकलेंगे हम दुबई के लिए। दुबई की जो फ़्लाइट है ओमान से दुबई का सिर्फ 45 मिनट्स की फ़्लाइट होती है, पता भी नहीं चलता, और फटाफट हम लोग दुबई पहुँच जाते हैं। दुबई में 4 घंटे का स्टे था, और जितना भी हमारा स्टे था वहाँ पे, हम लोग सब वहाँ पे सोते रहे हैं क्योंकि इतना थके हुए थे हम, पूरी रात के जागे हुए थे। और ऐसे मैंने दुबई एयरपोर्ट पर भी कोई वीडियो शूट नहीं किया है। और अब हम लोग बैठ रहे हैं दूसरे प्लेन में, ताकि यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लुआंडा जा सके। सो फाइनली 8 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, और उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे
लुआंडा, और यहाँ पे कोविड की वजह से काफ़ी ये लोग केयर करते हैं, मास्क वगैरह पहनना लाजमी है। और जैसे आप यहाँ पे लैंड करते हो, ये लोग आपको आपका PCR करते हैं, और इन केस अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो आपको 2 वीक्स के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ता है। सो मैंने मास्क उतारा हुआ था, तो ये लेडी कह रही थी कि आप मास्क प्रॉपर पहनो, मैंने सिर्फ नोज़ से ही जो है आपका जो है सैंपल लेना है। काफ़ी टाइम के बाद मैं PCR करवाई थी, इसलिए बड़ा डर लग रहा था मुझे। और बच्चों का भी यहाँ पे PCR करते हैं, जीनिया और इलियाना दोनों का यहाँ पे इन्होंने PCR करवाया था, और फर्स्ट टाइम हुआ था इन दोनों का। सो ये दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत रो रही थी। और ये सिटिंग एरिया था जो इन्होंने बनाया हुआ था, जो भी पैसेंजर्स वगैरह आते थे वो यहाँ पे पहले बैठते थे, उसके बाद ये लोग PCR वगैरह करना और जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती थी वो ये लोग करते थे। सो कुछ इस टाइप की दिखती है यहाँ की रोड्स। यहाँ पे इस टाइम पे विंटर स्टार्ट हो गई थी और टेम्परेचर था ऑलमोस्ट 20 डिग्री के आसपास, और बहुत ही प्यारा मौसम था। जितना टाइम हम वहाँ पे रहे हमने एक दफ़ा भी सूरज नहीं देखा, हमेशा क्लाउडी वेदर रहता था। और मैंने नोट किया कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैदल चलने वाले हैं, और जो लेडीज़ हैं यहाँ की सर पे दो दो तीन तीन किस्म की चीज़ें या बास्केट्स वगैरह पकड़ के उनको बेच रही होती थी, और जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर रोड्स पे चीज़ वगैरह बेच रहे होते थे यहाँ पे। शाम में तकरीबन 7 बजे तक हम लोग होटल पहुँचे थे, वहाँ जाके हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, चेंज वगैरह किया। उसके अलावा यहाँ पे हमारी फैमिली होती है, सो उन्होंने डिनर पे हमें बुलाया हुआ था, तो रात को हम लोग वहाँ पे चले गए थे और काफ़ी लेट नाइट वापस आए हम लोग। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। सीनिया इलियाना दोनों सुबह उठते ही अपनी आंटी के रूम में चली गई थी उनसे मिलने के लिए। बस मैं जाऊंगी उनको लेने के लिए क्योंकि उनको मैंने चेंज वगैरह करवाना है, और इलियाना सुबह जल्दी उठी थी सो मैं उसको फीडर दे दिया था। फीडर वो अपने साथ ही लेके गई है और मेरे ख्याल से पी रही होगी वहाँ पर किसी कोने में बैठ के। दोनों बच्चों को मैंने चेंज वगैरह करवा दिया था और मैं खुद भी रेडी हो रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने वहाँ से ही कहीं जाना है। इसके अलावा मुझे चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, स्पेशली सुबह के टाइम पे अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो घर से स्पेशली थर्मोस में हमारे लिए चाय आई थी, सो मैंने और मंसूर ने वो चाय इंजॉय की। इसके अलावा मंसूर और इलियाना लोग पहले ही नीचे जा चुके थे, मुझे थोड़ा सा रूम में काम था सो मैं अब जा रही हूँ नीचे, और चलते हैं नीचे और ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं यहाँ का। हम एशियन लोग चाय के बड़ी आदी होते हैं लेकिन यहाँ पे चाय वाय नहीं मिलती है, जैसे हम दूध पत्ती वाली चाय पीते हैं ना वो यहाँ पे नहीं मिलती। जब आप इनको चाय का कहते हैं तो आपको ग्रीन टी देते हैं या यहाँ पे सिंपली कॉफ़ी वगैरह चलती है। सो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में तो चाय चाय ही होती है। खैर यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह थे, उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं ब्रेड्स बहुत शौक से खाते हैं, सो डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड्स क्रोसेंट वगैरह से यहाँ पे थे। सो जीनिया तो बड़े मज़े से उसने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती थी, और बच्चों के सीरियल्स वगैरह भी थे, सो इलियाना जो है वो सीरियल ही खाती थी ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, ये आई थिंक आफ्टरनून का टाइम था, और हम लोग जा रहे हैं लंच पे। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी और शेयर करूंगी कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए थे, क्या रीज़न थी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।